अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के किसान पर्याप्त बारिश नहीं होने से परेशान है। बारिश की कमी से खरीफ फसलों की बुआई मुश्किल से ही हो पाई है। भारत में इस बार समय से पहले दस्तक देने वाला मॉनसून महाराष्ट्र में 10 जून को दाखिल हो गया था और गुरुवार तक पूरे राज्य को कवर कर लिया। हालांकि अभी एक बार फिर खेती के लायक बारिश नहीं हुई है। वर्तमान मॉनसून सीजन के दौरान 23 जून तक राज्य में 41.4% कम वर्षा हुई है। इस वजह से दलहन की खेती करने वाले किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि अब उनके पास समय काफी कम है। खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे किसानों का कहना है कि इस बार सामान्य मॉनसून के पूर्वानुमान से हम लोग उत्साहित थे। समय पर मॉनसून ने दस्तक भी दी, लेकिन अभी तक केवल छिटपुट बौछार ही पड़ी है। बुआई के लायक बारिश नहीं होने से मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। किसानों का कहना है कि अब हम मूंग और उड़द छोड़कर सोयाबीन और कपास की खेती करेंगे, क्योंकि समय से बारिश नहीं होने पर दलहन की बुआई करने का समय बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में बारिश कम हुई है, राज्य के लगभग सभी हिस्सों का हाल एक जैसा ही है। वहीं मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर सामान्य औसतन 99.3 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर कम यानी 89 मिलीलीटर बारिश हुई है। अन्य क्षेत्रों में ये कमी और ज्यादा है। विदर्भ में 37.4% तो मध्य महाराष्ट्र में 51.4% कम बारिश दर्ज हुई है। मूंग और उड़द की खेती के लिए जून के तीसरे सप्ताह तक पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। ये दोनों फसलें 70 से 80 दिन में तैयार होने वाली है। बाद में अधिक बारिश होने की स्थिति और खेत में जल जमाव हो जाने पर फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि अब तक अच्छी बारिश के इंतजार में रहे किसान जून के बाद मूंग और उड़द की बुआई करने से बचने की बात कर रहे हैं। उन्हें डर है कि देरी से बुआई की गई फसल अगस्त सितंबर में होने वाली तेज बारिश की भेंट ना चढ़ जाए। वहीं इसी बीच अहमदनगर के राहुरी में स्थित महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय और परमभवनी में मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने भी किसानों को जून के बाद मूंग और उड़द की फसल नहीं बोने की सलाह जारी की है। इसके साथ ही दोनों विश्वविद्यालय की तरफ से अन्य फसलों की बुआई के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश और नरमी के आधार पर विदर्भ के किसान जुलाई अंत या अगस्त मध्य तक कपास की बुआई कर सकते हैं। हालांकि मराठवाड़ा के किसानों के लिए अवधि थोड़ी कम कर दी गई है। मराठवाड़ा के किसान कपास की खेती मध्य जुलाई तक कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो उन्हें मक्का और ज्वार बोने की सलाह दी गई है। वहीं कृषि विभाग भी बारिश की स्थिति को लेकर सतर्क है और पहले ही किसानों से इंतजार करने की बात कर चुका है। कम बारिश की वजह से बुआई नहीं होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई का आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र का कृषि विभाग हर साल मॉनसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसलों की बुआई का रकबा जारी करने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वहीं बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि हर हफ्ते की बुआई के रकबे के आंकड़ों को जारी करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी की वजह से बहुत कम बुआई हुई है, लेकिन इसके लिए अभी पर्याप्त समय है। सलाह देते हुए अधिकारी ने कहा कि अगर किसान अभी बुआई करते हैं और बारिश की कमी बरकरार रहती है तो उन्हें फिर से बुआई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उन्हें नुकसान ही होगा। ऐसे में अच्छा है कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।